हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। दोस्तों, आप अपने पुराने कपड़ों जैसे पुराने फटे जीन्स, टी शर्ट आदि का क्या करते हैं? हमारे देश में जितने भी वेस्ट यानी कूड़ा कचरा डिस्पोज किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े भी होते हैं। हम लोगों ने जब दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को विजिट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिक के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े भी लटके हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी कोई प्लास्टिक से कम नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग इतने बड़े कचरे के पहाड़ के जैसा और पहाड़ खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं तो हमें इन कचड़ों को सॉर्ट आउट करके इनका अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जैसे मेटल्स के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग सॉल्यूशन, कपड़ों के लिए अलग सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मशीन को दिखाने जा रहे हैं जो लगभग कपड़ों से होने वाले पॉल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ पे उस कमाल के मशीन का यूज करके कपड़े को रिसाइकल किया जा रहा है। चलिए मैं इसके अंदर के पार्ट्स को दिखा दे रहा हूँ कि यह कैसे काम करता है। यह मशीन ट्रैक्टर से चलता है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब इसके अंदर का पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अंदर एक सिलेंडर जैसा लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे बिल्ली के दांत जैसे दांत लगे हुए हैं जो कपड़े को फाड़ कर सीधे फाइबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ बाहर का पार्ट्स देख सकते हैं। इस साइड से यह ट्रैक्टर से कनेक्टेड है। इसमें पुली का यूज कर दिया गया है ताकि यह रोटेट कर सके। अंदर का पार्ट्स देख सकते हैं। अब इसको इस साइड से देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे पुली लगा हुआ है जिससे इसको ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं, कपड़े को लपेट लपेट कर पतले जगह से घुसाया जाता है। देख सकते हैं, इससे खतरा होने का चांस कम है बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी वर्कर्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर फैब्रिक को सीधे फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। चलिए अब मशीन को स्टार्ट करवा के देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, स्टार्ट हुआ गया। अब ये देखिए कैसे ये सिलेंडर स्पिन करने लगा। इसमें से डस्ट भी आना शुरू हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। वो ट्रैक्टर से देख सकते हैं कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पर जाली लगाया जा रहा है ताकि फाइबर्स एक जगह स्टोर हो सके। चलिए अब देखते हैं इस साइड से ये कैसे कपड़े को अंदर ठूस रहे हैं जिससे कपड़ा फाइबर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए कैसे लपेट रहे हैं इसको ताकि थोड़ा सा मात्रा ही उसके अंदर जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भीतर रोटेट कर रहा है। इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल के देख रहा हूँ यह कैसे फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रुई के जैसा, एकदम स्पॉन्जी तैयार हो चुका है। यह कमाल का मशीन है, देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट एकदम रुई के जैसा तैयार हो गया है। आप नज़दीक से इसको देख सकते हैं। देखिए, दबा रहा हूँ तब कैसे दब जा रहा है, स्पॉन्जी है एकदम। एक घर से देख सकते हैं कितने सारे कपड़े रिसाइकल के लिए निकाले गए हैं। देख सकते हैं मेरे हाथ में कितने कपड़े हैं, और यहाँ भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। और ये वाले भैया तो कपड़ों में से मेटल वाले पार्ट्स को अलग कर दे रहे हैं ताकि मशीन में जाने के बाद यह मशीन को ख़राब नहीं कर सके। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रजाई तैयार कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि 250 में एक रजाई ये तैयार कर देते हैं, बस वेस्ट कपड़ा आपका होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे गांव में लोग कपड़ों को बचा के रखते हैं और इस तरह से जब कोई मशीन आता है तो फाइबर में कन्वर्ट करा के तकिया या रजाई बनवा लेते हैं। इस तरह से कपड़े कचरे में जाने से बच जाते हैं। वैसे तो कपड़ों को रिसाइकल करने का बहुत तरीका होता है, लेकिन यह तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।